लाइफस्टाइल विद शेज में आप सबको खुशामदीद। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कपकेक। कपकेक बनाने के लिए ये देखें, हमने एक चम्मच बेकिंग या किसी भी चीनी है, हमारे पास पौना कप है, और ये जो हमारे पास ऑयल है, ऑयल भी पौना कप है, जितनी चीनी है उतना। और ये हमने मैदा लिया है, मैदा अगर इस कप से नापेंगे तो डेढ़ कप है। वनीला एसेंस है हमारे पास, वाइट विनेगर है, और हमारे पास एक अदद अंडा है, टूटी फ्रूटी है हमारे पास, और मीठा सोडा और नमक चुटकी चुटकी भर हमने ये लिया है। ये हमारी केक की ट्रे है और इसमें हम कप लगाएंगे। ये देखें, हम अब मैदे को छान रहे हैं। मैदे को छान कर ही इस्तेमाल करना है, जो मैंने कप आपको चाय के दिखाए हैं। अगर इसके हिसाब से लेंगे तो डेढ़ कप मैदा है, वरना बड़ा कप जो मैंने लिया है वो एक कप है मैदा हमारा। इसको छान लेंगे। इसके अंदर हमने नमक और मीठा सोडा वो भी शामिल कर दिया है, बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया है, और इसको अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद हमने एक बोल के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके डाली है, कांटे की मदद से हम फेंट रहे हैं। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। चाहे हैंड मिक्सर से भी आप फेंट सकते हैं, हम उससे भी देखें फेंटते हुए आपको दिखा रहे हैं। इसमें मशीन वगैरह की या बीटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, अंडा भी हमने शामिल कर दिया। अंडा मिलाने के बाद भी अच्छी तरह हमने फेंटा है। उसके बाद हमने मैदा जो हमारा था, जिसमें हमने सब चीज़ें मिलाई हुई थी, उसको आधा आधा करके डाला है। देखें, एक ही तरह फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, फिर कट करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर कट करना है। आधा आधा करके हमने मैदा डाला है। एक कप हमने दूध लिया था, जो हमारा पूरा नहीं डाला था, आधा कप हमने दूध डाला है। और फिर इसको बेटर को हमने मिक्स किया है। बेटर का हमने देखे ना इतना पतला रखना है, ना इतना गाढ़ा रखना है। उसके हिसाब से अगर आपका दूध ज़्यादा या कम हो जाए तो आप कर सकते हैं बेटर के हिसाब से। ये हम आखिर के अंदर हमने डाला है वनीला सिरका, सिरका डाला है हमने, वाइट सिरका। और ये देखें, कप की ट्रे हमने तैयार करके रख ली है। सिरका डाल के हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है। ये देखें, दो दो चम्मच डालें क्योंकि पूरा कप नहीं भरना है, क्योंकि फूलेगा भी। 150 डिग्री के ऊपर हमने ओवन को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और ये 15 से 18 मिनट में हमारे केक बेक हो गए थे। ये देखिए, हमारे केक बेक हो गए हैं, और मज़ेदार से घर में कपकेक बनाइए। एक के अंदर हमने टूटी फ्रूटी डाली थी, बाकी में नहीं डाली थी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, और इसको क्रीम से या चॉकलेट से भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मज़ेदार से कपकेक घर में बनाइए।